ये बजरंग बाण का उपयोग कब और कैसे किया जाता है, और आप ये भी जानना चाहते होंगे कि बजरंग बाण किसने और क्यों लिखा, चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, हनुमान जी के बजरंग बाण का उपयोग तब किया जाता है जब आप बहुत ही भारी समस्या में हो और आपसे उसका कोई हल नहीं निकल पा रहा। अब इसे लिखा किसने? ऐसा कहा जाता है कि एक बार तुलसीदास जी पर काशी में किसी तांत्रिक ने मारण मंत्र का उपयोग कर दिया था, जिसकी वजह से उनके शरीर पर भयंकर फोड़े निकल आए थे। उस वक्त तुलसीदास जी ने बजरंग बाण पढ़ के हनुमान जी से गुहार लगाई थी, तब इसके पाठ के एक दिन के भीतर उनका पूरा शरीर ठीक हो गया था। माना जाता है कि बजरंग बाण का पाठ करने से आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले शत्रुओं का हनुमान जी नाश कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना भी जरूरी होता है कि बजरंग बाण का पाठ उस वक्त ही करना चाहिए जब आपके जान पर बनाई हो, और इसका उपयोग खुद के फायदे के लिए नहीं करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करते वक्त मन में कोई भी दूषित भाव नहीं होना चाहिए। साथ ही धन, ऐश्वर्य या फिर किसी भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए। और पाठ करते वक्त शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और रुद्राक्ष की माला से ही जाप करना चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो इसके लिए 41 दिनों तक सच्चे भाव से बजरंग बाण का पाठ करिए, वो सिद्ध हो जाएगा। आपके जानकारी सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते अगली वीडियो में।